नमस्कार। आज की इस प्रेस वार्ता में मंच के ऊपर मीडिया के प्रदेश सेंटर सम्मानित प्रमोद जी, उपस्थित सभी मीडिया से पधारे हुए मित्रगण, आज की ये प्रेस एक विशेष महत्व को ध्यान में रखते हुए बुलाई गई है। और विशेष महत्व इस बात का है कि आजादी के समय एक लोकतांत्रिक व्यवस्था इस देश के अंदर लागू हुई, और आप सबको विदित है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर तीन स्तंभ, इसमें व्यवस्थापिका कानून बनाने का काम करेगी, कार्यपालिका उस कानून को क्रियान्वित करने का काम करेगी, और न्यायपालिका उस कानून की समीक्षा करेगी कि जो व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाया है उसकी पालना हो रही है नहीं हो रही है, या उस कानून की अवहेलना हो रही है, या उस कानून की अवहेलना करने वाले को कानून के दायरे में उसको सजा का प्रावधान भी नियुक्त किया गया, न्यायपालिका सजा दे सकती है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि राजस्थान प्रदेश की राजनीति के अंदर वर्तमान के इस दौर के अंदर अपनी सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए, सोशल मीडिया के ऊपर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी इस तरीके की बयानबाजी करते हैं जो कानून सम्मत नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, नीतिगत नहीं है, नैतिकता के अनुकूल नहीं है, और यहां तक कि मानवता के अनुकूल भी नहीं है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जनता के मुद्दों को लेकर सरकार का ध्यान दिलाना राजनीतिक व्यक्ति का नैतिक धर्म है। राजनीति के अंदर जनता के मुद्दों के लिए संघर्ष करना यह भी नितांत आवश्यक है, लेकिन राजनीतिक मुद्दों के आधार के ऊपर सिर्फ अपनी सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करना यह कतई उचित नहीं है। विगत दिनों के अंदर चार घटनाएं ऐसी घटित हुई जो राजनीति के और शर्मसार करने वाली घटनाएं जिनको कह सकते हैं, या जिनको हम ये भी कह सकते हैं कि राजनीति में इस तरीके का चरित्र कोई सहन नहीं करता, कोई बर्दाश्त नहीं करता। क्योंकि वर्तमान में प्रदेश के अंदर कार्यपालिका का काम करने वाले कोई विदेशों से आए हुआ व्यक्ति नहीं है, या कार्यपालिका का काम करने वाला किसी के प्रति कोई द्वेष भाव रखकर अपने कार्य को अंजाम देने वाला भी नहीं है। वो अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अन्य राजनेता उस व्यक्ति के कार्य में व्यवधान पैदा करे, उस व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान के ऊपर ऐसे लज्जित करने का काम करे जो कोई भी व्यक्ति उसको बर्दाश्त नहीं करता। मैं चारों घटनाओं का जिक्र करूंगा। किसी सार्वजनिक मुद्दे को लेकर जनभावनाएं अगर उस सार्वजनिक मुद्दे से जुड़ी हुई है तो निश्चित रूप से नेता को अपना पक्ष प्रशासन के सामने भी और सरकार के सामने भी रखने की नैतिक जिम्मेदारी रखना भी चाहिए। लेकिन उस सार्वजनिक मुद्दे को कानून हाथ में लेते हुए बाड़मेर के किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा इस तरीके का कृत्य करना कि कानून को बाधा पैदा करे, और बाधा पैदा करने के बाद में सोशल मीडिया के ऊपर उसकी रील जारी करके और अधिकारियों को मनोबल को डाउन करने का काम करे, ये उचित नहीं है। नागौर के नेताजी के द्वारा ये कहना कि वो तो एक ही थप्पड़ मारी है, मैं होता तो चार मारता। राजस्थान के अंदर कभी भी इस प्रकार का वातावरण बना नहीं है। राजस्थान में पक्ष भी रहा है, विपक्ष भी रहा है, सरकारें बनी भी है, सरकारें बिगड़ी भी है, सरकारें परिवर्तित भी हुई है, सरकारें अलग अलग दलों की आई भी है, लेकिन कभी किसी को राजनीतिक विवेचना के आधार के ऊपर व्यक्तिगत हमले करने का अधिकार कोई नहीं देता। लेकिन जिस तरीके से व्यक्तिगत हमला करने के लिए सरकार को कोई मानने के लिए तैयार नहीं हो, व्यक्ति को मानने के लिए तैयार नहीं हो, उनकी व्यक्तिगत जीवन और जिंदगियों के बारे में टीका टिप्पणी करते रहे, मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। तीसरी घटना, जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर हमला करना, रील बनाकर उसको सोशल मीडिया के ऊपर डालना और अपनी सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करना, आपने तो अपना काम कर दिया, लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि आपके इस भावुकतापूर्ण निर्णय के उपरांत कितने लोगों को कानून के दायरे के अंदर आपने सड़कों पे उतारने पे मजबूर किया, और आज ऐसे वो युवा साथी जो भावुकता में आकर सड़कों के ऊपर उतर के कानून को अपने हाथ में लिया, आज कानून अपने दायरे के अंदर कार्रवाई कर रहा है, तो क्या भविष्य के अंदर उनका भविष्य सुरक्षित रह पाएगा? नेता को कम से कम इतना भी चिंतन और मन इस बात का करना चाहिए कि मेरे इस कृत्य से किन लोगों के परिवारों के ऊपर, व्यक्तिगत जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। और एक नेता जी जो अपने आप को राष्ट्रीय नेता कहते हैं, राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े हुए हैं,
एक गांधी परिवार के बहुत नजदीक संबंध रखते हैं, वो कहते हैं कि जूते की नोक पे अपना काम कराऊंगा। मेरे ख्याल से काम कानून के दायरे में होता है, जूते की नोक के आधार के ऊपर नहीं होता। और आप इस तरीके के बयान देके समाज में वैमनस्यता पैदा करने का काम कर रहे हैं, समाज में द्वेषता पैदा करने का काम कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करके उनको मुद्दे से भटकाने का काम कर रहे हैं। इसलिए राजस्थान की राजनीति हमेशा पाक साफ रही है, सुचिता की राजनीति रही है, हमेशा एक दूसरे का विचारधारा के आधार के ऊपर, मुद्दों के आधार के ऊपर, सिद्धांतों के आधार के ऊपर हमने हमेशा मुकर होकर अपनी बात कही है। लेकिन कभी भी किसी भी दल और किसी भी नेता के बारे में व्यक्तिगत लालचन लगाने का काम कभी नहीं किया। लेकिन दुर्भाग्य आज इस बात का कि कुछ नेता अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए दूसरों के बारे में ऐसी टीका टिप्पणी करे, वो शोभनीय नहीं है। तो मेरा आज की इस प्रेस के माध्यम से उन नेताओं से भी मैं इतना विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि कृपा करके आप अपने शब्दों को मर्यादा के अगर कहें तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। मर्यादाओं से बाहर जाकर निकलने की कोशिश करोगे तो समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा, और जिनके बारे में आप टीका टिप्पणी कर रहे वो भी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कानून के दायरे के अंदर सबको जीने का अधिकार है, सबको अपनी बात करने का अधिकार है, विचारों की अभिव्यक्ति करने का अधिकार है। लेकिन विचारों की अभिव्यक्ति आप बिना किसी तथ्य के आधार पर करें, बिना किसी मुद्दे के आधार पर करें, बिना किसी साक्ष्य के आधार के ऊपर करें, और एक सनसनी पैदा करने के लिए किसी के ऊपर किसी प्रकार का बयान आप दें, ये उचित नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि मीडिया के माध्यम से मेरी बात राजस्थान की आम जनता तक भी पहुंचेगी और उन नेताओं के ऊपर जरूर पहुंचेगी जिन नेताओं के बयानों की वजह से प्रदेश के अंदर आपसी भाईचारा और आपसी सौहार्द बिगाड़ने की स्थिति के अंदर है। कृपा करके उन लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नेताओं के उनमें भाषणों के अंदर, उन बातों के अंदर, उन नारों के अंदर आप अपने आप को कानून के दायरे में रहकर ही जीवन यापन करें। कानून से बाहर निकलकर आप कोई कृत्य ऐसा करोगे तो उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि व्यक्तिगत जीवन में हमें आदर्शता के आधार के ऊपर, व्यवहारिकता के आधार पे, और जो दूसरों के व्यवहार को अपने पक्ष के अंदर जैसा आप सोचते हैं वैसा ही व्यवहार आप दूसरों के साथ भी करें तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर रहेगा। मैंने अपनी बात कह ली, यदि आपका कोई बात हो या विषय हो तो आप रख सकते हैं।